तो हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो है सभी बैंक अपने अपने जो है रुपए के क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आप चाहें तो उसको जो है रुपए क्रेडिट कार्ड को फ़ोनपे पे ऐड करके वहां से आप मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। जैसे पहले आप किसी भी स्टोर पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते थे तो वहाँ पर आप जब जो है पेमेंट करते थे तो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है रुपये का क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है और आप जो है फ़ोनपे पर उस क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज जो है आपको सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगी। अब ज्यादातर बैंकें अपने जो है रुपए के क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ये कार्ड देखने को मिलता है और कैसे आपको अपने फोन पे में रजिस्टर करना है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस HDFC बैंक का डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको जो है HDFC की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है माई कार्ड, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी इनकी जो है कुकीज़ पॉलिसी, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी आप एग्जिस्टिंग HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उस पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मैं जो है अलाउ पे क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर OTP इसने जो है डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सिंपली मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये जो है HDFC का माई कार्ड एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपके जो भी क्रेडिट कार्ड होंगे यहाँ पर शो होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड 2। यहाँ पर मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड हैं। पहला ये आप देख सकते हैं टाटा नेओ प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑलरेडी है HDFC बैंक का। और यहाँ पर जो आपको जो है रुपए का कार्ड देखने को मिलता है वो डिजिटल क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। वो कोई फिजिकल आपको जो है डिलीवर नहीं किया जाता है। आपको इस ऐप के अंदर जो है वो आपको शो होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है स्वाइप टू सी कार्ड, तो यहाँ पर आपको ये स्वाइप करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ये होंगे आपकी जो है इसकी मतलब जो कार्ड की पूरी डिटेल है वो कैसे आप जो है व्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लिमिट आपके कार्ड की जो है, यहाँ पर मेरे टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड की भी जो है 21,000 की लिमिट है। तो ये दोनों कार्ड की लिमिट आपकी मर्ज कर दी जाती है। चाहे आप इस कार्ड से स्पेंड करें या जो है आप टाटा नेओ क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करें तो आपके दोनों में जो है लिमिट आपकी एक ही जो है यूटिलाइज होगी। अब यहां पर इस कार्ड की डिटेल्स जो है व्यू करने के लिए आपको कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहां पर जैसे ही कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ यहां पर फिल करना है। तो यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहां पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहां पर आपको जो है क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है और यहां पर आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर टाइमर आपका स्टार्ट हो जाता है। 5 मिनट का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। 5 मिनट के अंदर जो भी इनके स्टेप है उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड के आपको डालना है। अगर आपको जो है जो डिजिटल आपका जो है रुपये का क्रेडिट कार्ड है उसके आपके जो है नंबर वगैरह नहीं मालूम है तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसका भी नंबर आप डाल के यहाँ पर प्रोसीड को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे अभी नहीं पता है कि मेरे जो है डिजिटल क्रेडिट कार्ड के जो है लास्ट के फोर डिजिट क्या है, क्योंकि वहाँ पर शो नहीं होता है। तो उसको व्यू करने के लिए पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड से जो है आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। तो यहां पर हम अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के जो है यहां पर लास्ट के 4 डिजिट फिल करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको एक्सपायरी डेट और अपने एग्जिस्टिंग कार्ड की जो है पिन यहां पर फिल करके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके वेरीफाई कार्ड पे आपको यहां पर क्लिक करना है। वेरीफाई कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहां पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो यहां पर हम अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अलाउ पे क्लिक करने के बाद जो आपका OTP आता है वो यहां पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो आपका रुपए का क्रेडिट कार्ड है उसके सारे नंबर आपको शो होने लगेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक्सपायरी डेट भी शो होगी। और यहां पर अगर आप जो है CVV देखना चाहते हैं तो यहां पर व्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पे जो आई बनी है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको CVV नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को आपको जो है UPI से लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए आप क्या करिएगा, इस कार्ड की डिटेल को आप जो है फोन से क्लिक कर लीजिएगा, मतलब एक फोटो आप क्लिक कर लीजिएगा और यहां पर इसका CVV भी आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई फिजिकल क्रेडिट कार्ड है ही नहीं तो यहां पर आपको जो है फोटो से काम चलाना होगा। यहां पर हम फोन पे अपना ओपन करेंगे और इसके UPI से हम अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करेंगे। तो यहां पर इसको हम सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको यहां ऊपर जो है क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, सिंपली आपको नीचे की तरफ आना है और आप देख सकते हैं लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नया फीचर है। तो यहाँ पर हमको जो है अपने जो रुपे का क्रेडिट कार्ड है उसको लिंक करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज़ करना है कि आपके पास कौन सी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास HDFC का है, तो हम HDFC पर क्लिक करते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडिट कार्ड को इसने डिटेक्ट कर लिया है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू। तो यहां पर अब आपको करना कुछ नहीं है, सेट यूपीआई पिन। तो यहां पर हमको यूपीआई पिन बनाना है इसकी। यहां पर हम इस पे सेट यूपीआई पिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है जो रुपए वाला, तो उसके जो है लास्ट आपको 6 डिजिट यहां पर फिल करना है। उसके बाद यहां पर आपको एक्सपायरी डेट के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है एक OTP आएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा, आपको करना कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर 4-डिजिट ATM पिन, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो पिन है वो आप जो है माई कार्ड एप्लीकेशन पर, जो HDFC के ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाके आप उसको बना सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपने पिन बनाई है वो यहाँ पर 4 डिजिट की आपको फिल करना है। यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 4 डिजिट की जो है UPI पिन जो है बना लेना है। तो यहाँ पर आप सिंपली जो भी आप अपने चॉइस के हिसाब से जो है 4 डिजिट की UPI पिन बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपना बना लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक पे टैप करते हैं उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर आपका जो है क्रेडिट कार्ड फ़ोनपे से आपका लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रेडिट कार्ड को जो है रजिस्टर्ड करने के बाद आपको करना कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पर अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पर जो भी मर्चेंट अकाउंट है वहीं पर आप जो है इसको जो है यूज़ कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को। बाकी आप सोचें जो है किसी अदर पर्सन जो नॉर्मली फ़ोनपे अकाउंट होते हैं उस पर अगर आप जो है भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। सिर्फ मर्चेंट अकाउंट के QR कोड पर ही आप स्कैन कर सकते हैं और अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टोर पर आप जाते हैं उनका जो है मर्चेंट अकाउंट होता है, वहाँ पर अगर आप जो है QR कोड को स्कैन करते हैं तो वहाँ पर आपका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होगा। अदरवाइज आप को जो है नॉर्मली अगर कोई यूजर है जो फोन पे यूज कर रहा है उस पर अगर आप जो है उसके QR कोड पे अगर आप स्कैन करेंगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट से ही आपको ट्रांसफर करना पड़ेंगे, आपका जो है क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।